हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल यूके 14 ब्लॉगर में। आज एक नई वीडियो बनाने वाला हूं मैं, जिसमें लोगों ने मुझे पूछा कि आपका जो मोटो व्लॉग का सेटअप है वो किस तरह से है, क्या है, आप फ़ोन उसमें कैसे अटकाते हैं, या हेलमेट कौन सा आपका। तो हेलमेट के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये व्लॉग होने वाला है मोटो व्लॉग जो हमारा सेटअप है उसके ऊपर। तो मैं इसमें आपको एक चीज़ दो चीज़ बताऊंगा। उसमें एक चीज़ होता है माइक, जो कि यह है माइक, ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कराया है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और दूसरा होता है फ़ोन चिन माउंट विद होल्डर, तो वो हेलमेट के चिन में लगता है। बाकी आपको मैं आपको अभी बताता हूँ उसका सेटअप करके। तो आइए वीडियो में चलते हैं। सो गाइस, अब हम माइक की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मेरे पास फ़्लिपकार्ट से आया है, इसमें देख लीजिए आप, जूम करके जूम कर रहा हूँ मैं। 242 रुपीज़ है इसका प्राइस, जो कि मैंने डील में लिया था, और ये दिवाली की डील में लिया था। ये वीडियो पहले की है, क्योंकि ये हेलमेट मेरा अलग आया था, जो मैंने अमेजन से मंगाया था। ये जो मेरा माइक है ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया, और जो मेरा चिन माउंट है वो भी फ्लिपकार्ट से मंगाया था, लेकिन दोनों अलग अलग डेज़ में आए थे, मैंने एक साथ ऑर्डर करा था। बाकी आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो आइए गाइस, देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। और ये निकला हमारा एक बॉक्स। ये हमारा ATARC का लवेलियर माइक्रोफोन M87 सुपर साउंड फॉर प्रेजेंटेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। इसके दूसरी साइड में आते हैं, इसमें लिखा है फॉर स्मार्टफोन कैम रिकॉर्डर्स एंड DSLR। आइए इसके पिछले साइड में देखते हैं। इसे पढ़ने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप इसका पाउज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सो आइए आप इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का पाउच है, और एक छोटी सी पॉली बैग है जिसके अंदर माइक रखा हुआ है इन्होंने। और ये निकलता है हमारा माइक्रोफोन, जिसमें पफ भी लगा है, और नीचे गिरी है क्लिप। यह है माइक, हमारी कॉलर क्लिप, इसे हम माइक्रोफोन में अटैच करके कॉलर में लगाते हैं। इसे मैं कुछ देर में लगा के देखूंगा कॉलर में। अब आइए अभी माइक को खोल के देखता हूँ मैं। इसमें एक टेप लगी है, और इसको खोलने के बाद हम माइक को देखते हैं। इसकी लेंथ 1.5 मीटर है, जो कि मैंने बॉक्स में पढ़ी है, और काफ़ी अच्छी लेंथ है। वीडियो शूट व्लॉग के लिए, क्लोजअप शॉट के लिए बहुत सही है। और अब मैं क्लिप को माइक में लगाता हूँ, कॉलर क्लिप को, और ये ट्राई कर रहा हूँ मैं लगाने का। ये लग चुकी है, इसको इस तरह से अपने कॉलर पे लगा सकते हैं हम वीडियो शूट के लिए। ये Under 300 बहुत बेस्ट माइक है। आइए अब हम करते हैं दूसरे पैकेज की अनबॉक्सिंग। ये फ्लिपकार्ट की तरफ से आया है। और अब इसमें से निकला है एक बिल, और ये हमारा हिपिन का फ़ोन माउंट, जैसा आप देख सकते हैं इसके बॉक्स को। और आइए पिछली तरफ देख सकते हैं अब हेलमेट माउंट, इसको निकालते हैं। अब इसमें है हमारा एक मोबाइल एडेप्टर, जो कि अच्छी क्वालिटी का है, और इसकी पैकिंग खुली थी, बाकी अच्छी क्वालिटी का, ये सही है, फ्रेश है। और अब देखते हैं हम, और ये है हमारा हेलमेट चिन स्ट्रैप माउंट ट्राईपॉड माउंट एडेप्टर लॉन्ग थंब नॉब बोल्ट मोबाइल होल्डर 1, जो कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। ये सब असेंबल होके आया है, इसको हम डिसेंबल कर सकते हैं, और ये मैं बाद में डिसेंबल करूँगा जब मैं इसको हेलमेट पे फिट कर रहा हूँगा, जो कि अब मैं हेलमेट पे लगा के दिखाता हूँ आपको सभी को। ये मेरा हेलमेट है, पुश एंड पुल वाइज़र। आइए अब मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ किस तरह से लगाना है। थोड़ा वीडियो शूट में मुझे थोड़ा सा परेशानी होगी, क्योंकि मैं अकेले शूट कर रहा हूँ, तो जैसा भी होगा आप देख लेना, मैनेज कर लेना प्लीज़ गाइस। पहले मैं थोड़ा खुद ट्राई करके देखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ गाइस जब थोड़ा फिट हो जाएगा। इस बक्कल को कैसे लगाएं, ये देखते हैं। ये है, इसको यहाँ से डालना है इस बक्कल के अंदर, और ये यहाँ से इधर खींचना है, और इसको इस तरह से बंद करना है, और ये आपका लग गया माउंट। बाकी इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। इसी तरह सेम दूसरा करना है, दूसरा मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। और ये आप इनको इस तरह से इसके अंदर फंसा सकते हैं, या फिर इधर साइड में इस तरह से जो इसकी पैडिंग है इसके अंदर रख सकते हैं।
ये आपका इस तरह से माउंट लग चुका है। इसमें फ़ोन मोबाइल होल्डर इस तरह से लगाना है, किसी भी तरह से लगा सकते हैं। दो मेथड होते हैं इसके, एक ये मेथड हो गया आपका, दूसरा इसको निकालने का तरीका यह है कि यहाँ पे होल्डर है, इसे पुश करना पड़ता है और ये निकल गया। अब दूसरी तरह सेम ये जो होता है आगे की नोज़, इसको इस तरह से इसमें फंसाना पड़ता है। प्लग एंड प्ले है, बहुत अच्छी बात यह इसकी। आइए अब मैं इसमें आपको फ़ोन लगा के दिखाता हूँ। और ये इसमें लग चुका है फ़ोन। आपको लग रहा होगा कि ये हाई स्पीड में निकल जाता होगा या कुछ हो जाता होगा, तो ये वीडियो मैं काफ़ी महीने बाद बना रहा हूँ और ये पूरे एक्सपीरियंस के साथ बना रहा हूँ कि 100 किलोमीटर पर स्पीड में भी ये फ़ोन का माउंट नहीं हिलता है और ना ही फ़ोन इसमें से निकलता है। तो ये बेस्ट है, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, और इसी कारण मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। और अब बारी आती है हमारे माइक की, और जो कि ये माइक है, इसमें ये माइक ATA RC का, और इसको हम प्लेस करेंगे अपने हेलमेट में। और ये काफ़ी लंबी लेंथ है, इसको हम कट तो कर नहीं सकते, कट करने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसको हम एक्स्ट्रा जो वायर है इसको हम इसकी पैडिंग के अंदर रख देते हैं। काफ़ी टफ होता है इसको रखना, तो इसको इस तरह से हम प्लेस करेंगे। मैंने इसको अच्छे से जो वायर है इसको फोल्ड कर लिए। इसको हम पैडिंग निकालते हैं, उसके बाद ये जो है माइक हमारा अंदर की साइड जाएगा, क्योंकि वॉइस ऑब्वियसली है कि अंदर से आनी चाहिए। और ये हमें काफ़ी ध्यान से लगानी पड़ेगी क्योंकि इसकी पैडिंग भी बंद होती है, तो मुझे तो एक्सपीरियंस हो गया काफ़ी महीने से, तो मुझे तो काफ़ी बार प्रैक्टिस करी मैंने, तो मेरे से तो हो गया है। बाकी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और ये थोड़ी लीड बाहर छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे फ़ोन माउंट करना होता है हमें इस तरह से, इसलिए थोड़ी गैप देनी है लीड के लिए। इसको थोड़ा बाहर छोड़ना है, उसके बाद यहाँ पे ये प्लेस करना है अच्छे से, और मेक श्योर कि आपके जो स्टिच बटन है इसके, ये भी सही से क्लोज होने चाहिए। और ये वायर को अच्छे से आप अपने हिसाब से अंदर समेट लेना। और ये लग चुका है यहाँ पे। अब बारी आती है माइक कहाँ पे अटकाएं। माइक या आप अपने हिसाब से इसकी जो स्ट्रैप है इसमें भी अटका सकते हैं। बाकी मेरे पे एक अदर ऑप्शन है कि मेरे पे ये चिन कर्टेन है, ये मैंने बनवाया था यहीं से टेलर से, टेलर ने बना दिया था, तो ये इस तरह से लगता है यहाँ पे। ये जो होल हैं इसके, ये स्टिच बटन में लगते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लोज़। इसी तरह से ये यहाँ पे लगता है। ये इसलिए बहुत काम आता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा गैप है, तो इससे विंड नॉइज़ जो है बहुत ज़्यादा आता है। इस कारण मुझे बनवाना पड़ा, क्योंकि मैंने शुरुआत में वीडियो बनाई वो मैं डाल नहीं सका हूँ क्योंकि विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, तो इस कारण मैंने ये चिन कर्टेन बनवाया थोड़ा सा, जो भी काफ़ी ऐसे इससे हेल्प मिलती है सर्दियों में भी। सर्दियों में जो हवा होती है, जो इसमें इतना जो गैप है वो थोड़ा बहुत कवर हो जाता है, तो जो है सर्दी की हवा थोड़ी कमी आती है। बाकी फिर इस तरफ आते हैं हम, और ये माइक हमारा यहाँ पे अटक जाएगा, हम अटका देंगे इसी में, अटका रहा हूँ फ़िलहाल मैं। ये देखिए इस तरह से माइक आ गया, वो भी अभी अच्छे से नहीं अटका है। आपको थोड़ा साइड रखना ताकि एकदम से जो हमारे मुंह की आवाज़ होती है वो एकदम इस पे सामने से ना पड़े, थोड़ा साइड रखने है। साइड रखिएगा आप, मैं बाद में साइड करूँगा इसको थोड़ा। सो गाइज, यहीं पर करते हैं वीडियो को एंड। लाइक एंड कमेंट करके बताना कैसे लगी वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना ज़रूर।